हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम गुड एंड गुड एंड गुड। ये देखिए, ये महारानी पढ़ रही है। जब मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को गुड मॉर्निंग करती, इसे जेलेसी हो जाती है। बोलती है कि पूरा सुर में गाना गाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या ही करूँ बताओ। ये मुझे गाना ही गाते लगते हो पूरा। ये बच्चे कुछ ना कुछ कमेंट्री करते ही रहता है मेरे ऊपर सच में। तो यहाँ ये पढ़ रही है, अंदर का बेडरूम लॉक करके धैर्य भाई साहब पढ़ रहे हैं हमारे। और आज हो गया है, हम कल ही हो गया था हमारा वॉशिंग मशीन ख़राब। अब बुलाया मैंने वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए, वो भाई आए अभी कर रहे हैं। चालू है रिपेयरिंग मशीन की। भाई ये भाई बहुत अच्छा है, जब बुला मतलब जब भी ख़राब हो जाता है इमीडिएट बेसिस पे बोल देती हूँ, तो जल्दी कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आ जाते हैं और कर देते हैं। अभी पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हुआ है, पानी ड्रेन नहीं हो रहा वॉशिंग मशीन से। तो देखती हूँ अभी कर रहे हैं रिपेयर। चालू है, देखो काम चालू है, क्या ही करूँ। अब यहाँ पर खड़ी हूँ, देखना पड़ेगा काम हो रहा है। कोमल क्या पढ़ रहे हो आप? ये देखो क्या पढ़ रहे हो आप? अकाउंट्स। कल ट्यूशन भी क्या रिलीजन करवाया सर ने? यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? उजाला तो है। ये देखो कोमल भी पतली हो गई, आजकल बहुत एक्सरसाइज कर रही है, वो भी पतली हो गई है बहुत। पढ़ाई की एक्सरसाइज हो रही है ना, मेंटली प्रेशर आ जाता है जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं फाइनल, तो वो एक एक्सरसाइज ही हो जाती है ना। तो जहाँ पर एक्सरसाइज हो रही होती है तो अपने आप ही पूरी बॉडी पतली हो जाती है। मैं भी पतली लग रही हूँ क्या? मैं मोटी हूँ क्या? मैंने वो वाला बना दिया रील, पता मैं मोटी हूँ क्या? चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखो ड्रिल मशीन का हो रहा है डिशू डिशू, बस होप सो बन जाए अच्छे से, ज़्यादा खर्चा ना आए भगवान। मशीन का एक पार्ट ख़राब हो गया है जो पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है, कि जो पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है ना, जो बताता है कि हाँ भाई अब पानी स्टॉप करना है, इसलिए मशीन ओवरफ्लो हो के पानी गिर रहा है। अब हो गए वो ख़राब हो गया है जो बटन है। भैया 2000 का फटका लग जाएगा अभी, बताओ। पूरा एक आम आदमी का बजट ही हिल जाता है, बताओ। 500 रुपये का खर्चा भी आता है तो एक आम आदमी का बजट ही हिल जाता है। अचानक से ये जो खर्चा आता है तो मैं क्या ही करूँ बताओ। करवाना तो पड़ेगा है ना, कि करवाना तो फिर भी पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना चलेगा नहीं। अब कहीं और कटौती करनी पड़ेगी, कहीं और कुछ तो करना पड़ेगा। कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। हाय राम, बताओ। एक आम आदमी के ऊपर ना प्रेशर हो जाए, आ जाए पैसों का, तो भी उसे मुस्कुराना पड़ता है दोस्तों, उसे मुस्कुराना पड़ता है सच में, कि क्या ही करें अब, कहाँ कैसे एडजस्ट करें उसको। लेट्स सी, देखते हैं, राम भरोसे सब हो जाएगा, है ना बाबा, सब हो जाएगा। चलो अभी वो गए बेचारे, वो भैया गए हैं, अभी लेकर के आएंगे। अब वो अपने जो भी है जहाँ पे भी होता है दुकान या कुछ भी, वो लेके आएंगे, फिर बनाएंगे, फिर मशीन चालू होगी। कल से कपड़े नहीं धुले हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। देखते जो भी होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा, और क्या है ना। कोमल इसलिए बोल रही, पढ़ ले लड़की, सारे मिलके कमाओगे तो कुछ तो भला होगा, अबे कोई इतना टेंशन तो नहीं होगा। ये बच्चे बोलते हैं मम्मी तो पगला ही जाती है, कुछ कब कर, कहीं का कहीं भी कनेक्शन जोड़ देती है भाई साहब। ये देखो ये बन गई है पूरी, आज बनाना है काले चने की सब्जी और ये गर्मा गर्म पूरी, जिसमें मेरी जो सहायक है ना वो कौन थी? वो कोमल देवी थी। अरे मम्मी तो आज ये जो पूरियाँ बनी है उसमें ये जो सहायता की है मेरी, इस काली देवी ने की है। काली देवी ने, देख लो कौन काला दिख रहा है। तो पहले भी काली थी, अभी भी काली ही है। मैं आपसे स्किन टोन देखो अपने।
कमेंट में बताओ कौन गोरा है और कौन काला है। ये काला, ये हमेशा काला कपड़ा पहन लेती है, इसलिए ये काली है। काली दोस्तों, ये काली है, इसे कहिए आप काली है देवी। आज बनाया है हमने काला काले चने की सूखी सब्जी, पूरी और हलवा। जो माता रानी को भोग लगता है ना, वो ये कोमल को बहुत पसंद है, इन लोगों को, दोनों जन को। तो फिर क्या बोलते हैं, नहीं आज यही बनाओ। चलो मंगलवार भी बना देती हूँ। कैसा लगा भैया कोमल? बहुत मस्त। हलवा तो कोमल ही बनाती है, बहुत मस्त बना देती है। सीरा आज ड्राई फ्रूट नहीं डाला इसमें, हम लोगों को ही खाना है, अपने को ही खाना है तो ड्राई फ्रूट मत डाल। चलिए फ्रेंड्स, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना? फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, ये तो हो गई है दूसरे दिन की सुबह। उसके बाद उस दिन कल कुछ शूट नहीं किया मैंने, और बस यही पे ले रही हूँ मैं ये ब्लॉग की एंडिंग, कि कल शाम को कुछ नहीं, थोड़ा सा घर का सामान ये सब लेने बाहर चली गई थी, तो कुछ शूट नहीं किया मैंने। तो बस आज सुबह इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करती हूँ मैं, यहीं पे इस ब्लॉग को पूरा करती हूँ, है ना? और नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। सो टिल देन बाय, शबक है, शुभरात्रि तो नहीं बोल सकती, लेकिन ठीक है, आप लोग समझे कि शुभरात्रि। आप लोग सब खुश रहें अपनों के साथ, और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, सही काम गलत काम नहीं। और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये सबसे बड़ा सही काम है। ये सबसे बड़ा सही काम है। तो बस आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट यही चाहिए। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे कल, कल के फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, शुभ है, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल।